वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आज करेंगे हमारा पार्ट सिक्स। अभी तक हमने पार्ट फाइव तक कर लिया था, आज हम हमारा अब पार्ट सिक्स करते हैं। तो ये हम ज्योग्राफी का चैप्टर टू कर रहे हैं क्लास टेंथ का। अब हम इसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बाकी है। हमने ये चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। हमें अब सिर्फ क्या करना है, हमें अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट बाय दिस क्वेश्चन वन। तो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, सबसे फर्स्ट तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो नाउ वी विल हैव टू गिव जस्ट वन ऑप्शन राइट। सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब आप देखिए यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन हो रहा है तो किसके कारण होगा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा। क्यों एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा तो फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होगा, बिल्कुल होगा। फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होगा ना, बिल्कुल होगा। और अगर हम देखें तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे तो भी फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रक्शन होगा। और ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन से हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता इससे। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से इससे भी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स थे ना डिप्लीशन वाले जो हमने पढ़े थे, व्हाट आर द फैक्टर्स, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, उसमें ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन के लिए वो हमने पढ़े थे, उसमें ये आंसर आ गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बात करता है। JFM हमने पढ़ा था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करता है, बिल्कुल करता है। चिपको आंदोलन जो हमने पढ़ा, चिपको मूवमेंट, वो भी करता है। बीच बचाओ आंदोलन वो भी करता है। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है। इसमें भी हमसे स्टेटमेंट इज नॉट, ये नॉट को आप ध्यान रखिए, तो हमें सिर्फ ये वाला देना है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने ये दे दिया डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कोई कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर पाते। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक सबको समझने में आ रहा है, आपको ये वाला अगर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आगे हम कम्युनिटी कंजर्वेशन पे, ये देखिए चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन यहाँ पे है, और JFM हमने देखा था, हमने JFM भी देखा था जॉइंट वाला। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कनेक्टेड है। अब चलिए हमारे चलते हैं कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस पे, कि कौन कौन से प्लांट्स जो है या एनिमल्स जो है उनकी कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ब्लैक बक, मैंने आपको सलमान खान का केस बताया था ब्लैक बक का, तो ब्लैक बक ऐसा तो नहीं एक्सटिंक्ट है, मिलते तो है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे इंडेंजर्ड हो गए। तो हमें इसको किससे मिला देना है, मैच कर देना है एग्जिस्टेंस में इंडेंजर्ड, तो हमारे ये क्या हो गए, इंडेंजर्ड हो गए। चलिए देखते हैं इंडेंजर्ड में क्या नहीं है। हम यहाँ पे किसको देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इंडेंजर्ड, हम यहाँ पे किसको देखेंगे, इंडेंजर्ड को देखेंगे। चलिए देखते हैं इंडेंजर्ड है या नहीं है। हम स्पीशीज पे आ जाते हैं अपने, ये देखिए अब यहाँ पे हमने ये स्पीशीज देखी थी, ठीक है, IUCN की, तो इसमें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, द एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इज ब्लैक बक, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ब्लैक बक यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ब्लैक बक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, हमारा ब्लैक बक का इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब हमारे नेक्स्ट वाले मिलान पे आते हैं।
अगला है एशियाटिक एलिफेंट कहां पे। चलिए देखते हैं एशियाटिक एलिफेंट जो है वो कहां पे। हम आ जाते हैं अपने स्पीशीज वाले टाइप के, आईयूसीएन की स्पीशीज। तो हम देखते हैं एशियाटिक लायन जो है वो कहां पे। तो देखिए नॉर्मल में तो नहीं है, इंडेंजर्ड में दिख रहा है आपको, इंडेंजर्ड में भी नहीं है। अब ये देखिए वल्नरेबल में है, एशियाटिक एलिफेंट है और गैंगेटिक डॉल्फिन है। तो हमारा एशियाटिक एलिफेंट जो है किस पे आ गया, वल्नरेबल स्पीशीज में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम टिक कर लेते हैं हमारा आंसर को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल। तो हम इसे जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये एशियाटिक एलिफेंट कहाँ पे है, वल्नरेबल में। अब हमें देखना है अंडमान वाइल्ड पिग ये जो है कहाँ पे है। चलिए देखते हैं अंडमान वाइल्ड पिग कहाँ पे है, ये भी हमें स्पीशीज में ही मिलेगा। चलिए स्पीशीज में आ जाते हैं, अंडमान वाइल्ड पिग इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है अंडमान वाइल्ड पिग, वल्नरेबल में भी नहीं है अंडमान वाइल्ड पिग। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें इसमें भी नहीं है, एंडेमिक में देखिए अंडमान टील निकोबार पीछे अंडमान वाइल्ड पिग, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल गया अंडमान वाइल्ड पिग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अंडमान वाइल्ड पिग मिल गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम टिक कर लेते हैं एंडेमिक पे। तो क्या हो गया, हमारा अंडमान पिग वाइल्ड पिग एंडेमिक हो गया। अब हिमालयन ब्राउन बियर बताना है हमें। चलिए देखते हैं वापस से उन स्पीशीज पे आ जाइए। अब अंडमान वाइल्ड पिग तो देख लिया, अब हमारा अगला क्या था, हमें देखना था हिमालयन ब्राउन बियर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट दीज नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मल में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है हमें। चलिए नीचे देखते हैं, वल्नरेबल में है क्या, वल्नरेबल में भी नहीं है, रेयर में है, ये रहा देखिए रेयर में हमें मिल गया हिमालयन ब्राउन बियर। ये हमारा आंसर हो गया रेयर का, हिमालयन ब्राउन बियर का ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हिमालयन ब्राउन बियर आंसर हो गया क्या, रेयर। तुम्हारा क्या बचा, पिंक हेड डक, ये क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो। तो हमने ये सारे के सारे मिलान जो है कर लिए, ये जो है यहाँ पे वाला, ये जो है यहाँ पे हुआ। तो हमने ये सारे के सारे मिलान कर लिए, हमें मैच करने थे, मैच द फॉलोइंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारा एक और मैच द फॉलोइंग करते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें तीन टाइप्स दिए गए फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और हमारा एक और है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मैंने बताया था रिजर्व फॉरेस्ट जिनको रिजर्व बनाया गया, इनको प्रोटेक्ट बनाया गया, उनको जो दोनों में नहीं है वो अनक्लास्ड में। तो रिजर्व फॉरेस्ट किस तरीके के होंगे, यहाँ पे देखिए अदर फॉरेस्ट वेस्टलैंड नहीं है, तो अनक्लास्ड की है, तो ये तो हमें पहला वाला मिल गया, हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें इसका तो ये मिल चुका है, रिजर्व फॉरेस्ट कैसे हो गए, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। बिल्कुल ये लग रहा है रिजर्व फॉरेस्ट का ये हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका तो ये, इसका ये और इसका ये। फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लीशन, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये वाला आपको जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको बताए थे उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये आसानी से वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। आंसर करना है हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस को कितने में, 30 वर्ड्स में। चलिए आंसर करते हैं, 30 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या है, Why is biodiversity important for human life?
ये हमें बताना है कि बायोडायवर्सिटी जो है ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए बायोडायवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी क्या है वो हम देखते हैं। आ जाइए हमारे फर्स्ट सेकंड पेज पे। यहाँ पे आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में कई सारी जानकारी मिलेगी। फ्लोरा एंड फ्यूना में हमें कई सारी बायोडायवर्सिटी मिलती है। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है, बायोडायवर्सिटी की बात ही करते हैं। ये देखिए बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में आपको बताता हूँ। तो ये हमारे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड। ये यहाँ पे तो इंडिया तो है बायोडायवर्सिटी रिच। अब ये देखिए बायोडायवर्सिटी क्या है, उसका आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सर्चिंग के बाद ही ये आंसर्स आपको मिल सकते हैं। मगर जितने भी आंसर्स है सारे के सारे आपको बुक में ही मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी क्या है ये देखिए, इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टीवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मैंने बताया था फूड में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में किस तरीके कनेक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया था। इस सबके सब एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट करते हैं। तो ये वो से हो गया था हमारा डिपेंडेंस है, ये सब जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं, अच्छी तरह से डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हमारा बायोडायवर्सिटी क्या है वो तो हो गया। अब बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमें बताना है हमारे लिए। तो इंडिया के लिए ये देखिए, इंडिया क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो है 8% जो है स्पीशीज जो है वर्ल्ड की पाई जाती है, इस वजह से इंडिया में जो है बायोडायवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां से लेकर यहां तक जो है लिख देना है अपना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एंडेमिक टू इंडिया, ये भी आप लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो आपका जो है आंसर हो गया बायोडायवर्सिटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन। आपका व्हाट इज डायवर्सिटी, डायवर्सिटी वाइज ह्यूमन डायवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ हमें ना हमारे जितने भी नीड्स है हमारी वो फुलफिल होती है, हमारे जितने भी मिनरल्स है वो हमें यहाँ से मिलते हैं, हमें इनमें जो है डायवर्सिटी मिलती है, तो हमें कई तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप इस पर लिख सकते हैं कि इस वजह से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो बायोडायवर्सिटी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती वगैरह फूड ये सब आप लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। अब हमें बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ने किस तरीके से अफेक्ट किया है फ्लोरा एंड फ्यूना को, कैसे अफेक्ट किया है और एक्सप्लेन करना है इनको। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, हमें 30 वर्ड्स में ही देना था, हमने 30 वर्ड्स में दे दिए। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो फ्लोरा एंड फ्यूना को अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है, चलिए
टोरेंट फ्यूरा में चलते हैं, किसे इफेक्ट करती है हम देखते हैं इसको। ये देखिए फ्लोरेंट फ्यूना, हमें देखना है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है किस तरीके से फ्लोरेंट फ्यूना को जो इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है तो यहां पे देखिए कि 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना जो है ना मैमल्स है जो थ्रेटन्ड लिस्ट में, और मेनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक द चीता, पिंक, ये सब एनिमल्स जो है हमें दिए हुए। तो ये हमारा यहाँ पे तो ये हो गया। अब हमें और क्या बताना था कि कैसे अफेक्ट करते हैं भाई। तो दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना जो है ये क्या है, हमारे लिए इंटीग्रेटेड है इन आवर डेली लाइफ के लिए, और वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, बट लेटली दिस अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरमेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आप वहां पे जो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर वहां पे हो गया कि हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। और आप चाहें तो ये फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, ये फैक्टर्स आपको दिए गए हैं यहां पे। What are the negative factors that cause such fearful depletion? हमने कई तरीके के फैक्टर्स पढ़े थे डिप्लीशन के, ये सारे पैराग्राफ्स जो हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट, मेनी फॉरेस्टर्स, एनवायरनमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट, ये सारे के सारे जो है आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इन सब की वजह से फ्लोरा एंड फ्यूना जो है खतरे में। तो इसमें आप ये वाले जो हमने लिखे थे ना यहाँ पे, ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें आप वहां पे जो इंट्रोडक्शन है वहां से लिखेंगे। तो आपका आंसर जो है यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो हमने ये वाले तीन क्वेश्चन तो कर लिए, अब हम हमारा क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं। 120 वर्ड्स में हमें जो है इनका आंसर देना है। कितने में? 120 वर्ड्स में, मतलब इनको बड़े बड़े पैराग्राफ्स में हमें बनाना है। फर्स्ट, डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन कम्युनिटी हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमें बताना है कि हाउ जो कम्युनिटीज है उन्होंने कंजर्व किया है और प्रोटेक्ट किया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। चलिए आ जाते हैं कम्युनिटी में। ये देखिए आगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं, कम्युनिटी स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर, ये तो आप लिखने की जरूरत नहीं। आपको जो है कहां से लिखना है मैं आपको बता देता हूं, यहां से बताना है कि इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दोज हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये यहां से लेकर के आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है, यहां तक। और उसमें आप जो है ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, साथ में चिपको आंदोलन आप दे देंगे, उसके बाद बीच बचाओ आंदोलन, ये सब भी आपको लिखना होगा यहाँ तक। और फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ तक लिखना होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है, आपको नोट डाउन कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से हम ये बता देंगे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो राइट करना है हमें क्या, एक नोट, किस पर, गुड प्रैक्टिसेस पर टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने पर हमें एक नोट लिखना है, लिख सकते हैं। चलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हम यहाँ से जो है कई सारी चीजें जो है नोट कर देंगे, बट हमें लिखना मेन कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेकर के हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है कई तरीके के मेजर्स अपनाए गए, इंडिया के सारे मेजर जो प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, सिक्स स्पीशीज, तो यहाँ तक आप जो है लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पूरा मत एक्सप्लेन कीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिए, तो ये आपके जो है आंसर्स हो गए, ठीक है।
तो आपकी क्या हो गई है, आपके ये आंसर्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो हमने जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं आपको कुछ डायग्राम्स है वो एक बार फिर बता देता हूँ। वो ये है घड़ियाल, मैंने आपको घड़ियाल के बारे में बताया ही था किस तरीके घड़ियाल होता है, और ये इसकी चोंच होती है एकदम सिकड़ी हुई, सिकड़ी हुई होती। और यमुना ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो हमने ये सब जो है क्वेश्चन आंसर देख लिए, ठीक है, और इसके टाइप्स वगैरह ये सब हमने देख लिए। तो ये सब देखने के बाद हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर रिवीजन में देखें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, उससे भी पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, क्या होती है। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना पढ़ा, उसमें हमने कई तरीके के स्पीशीज के बारे में देखा, इंडिया में कितने हैं कैसे हैं ये देखिए, कितनी तरीके की स्पीशीज के बारे में देखा, कुछ फैक्ट्स पढ़े, वैनिशिंग फॉरेस्ट देखा, कुछ इतने सारे IUCN की जो स्पीशीज थी, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और एक्सटेंट स्पीशीज, ये सारी पढ़ी। फिर एशियाटिक चीता पढ़ा जो एक्सटेंट हो चुका है, और क्या कॉलोनीज को ब्लेम किया जा सकता है वो भी हमने देखा, फैक्टर्स देखे कौन कौन से डिप्लीशन के कारण है, वो सब भी हमने देखे यहाँ पे, फैक्टर्स जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये सारे हमने देख लिए। और ये हमने यहाँ पे देखा नहीं था पहले, यहाँ देखिए ये ट्राइबल गर्ल्स जो है वो यूज करी किसका, बेम्बूज का, बेम्बू जो है पेड़ों से लाती थी, सैपलिंग से उनके नर्सरी में एट मुखाली नियर साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का दृश्य। तो ये महिलाएं जो है यहाँ पे कर रही, मैंने आपको बताया था महिलाएं जो है ज्यादा काम करती थी फॉरेस्ट में, यहाँ पे वो बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइबल वुमन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो ट्राइबल वुमन है वो सेल कर रही है कितना, माइनर प्रोड्यूस को। और यहाँ पे देखिए लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमन फॉर्म, तो लीफ जो है कलेक्ट करके ये पत्ते जो है कलेक्ट करके ले जा रही है। तो महिलाएं देखिए कितने ज्यादा काम करती है फॉरेस्ट में कंपेयर टू मेन, ये हमने देखा। अब ये अभी आपको देखना चाहिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइनो है, ठीक है, ये हमारा डियर है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के, दोनों के दोनों फोटो कहाँ के हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये देखिए सारे के सारे जो है हमारे नेशनल पार्क में है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद घड़ियाल मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिटीज के बारे में बताया, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में आप सबको जानकारी आती है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में आपको बताना है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में आपको होमवर्क में जानना है, आपको चिपको आंदोलन पे एक नोट तैयार करना है, राइट अ नोट ऑन चिपको आंदोलन, कि चिपको आंदोलन में किस तरीके से चीजें होती है, ये आपको नोट तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और एक बीज बचाओ आंदोलन के बारे में जो तहरी में हुआ था उसके बारे में भी आपको एक नोट तैयार करना है। तो ये दो होमवर्क हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये दो होमवर्क हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब आपको एक तीसरा होमवर्क भी दे देता हूं, वो क्या है कि जेफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे भी आपको एक नोट तैयार करना है। ये जो जेफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इस पे भी आपको एक नोट तैयार करना है। तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन पहला कि चिपको आंदोलन बताना है, दूसरा प्रश्न पहला तो ये था, क्वेश्चन दूसरा क्या है कि आपको बीज बचाओ आंदोलन बताना है, बीज बचाओ सॉरी पौधा डिस्टर्बेंस, क्वेश्चन थ्री आपको JFM बताना है। तो आपके क्वेश्चन है जो आपको आंसर्स देने हैं अपनी नोटबुक में हमारे होमवर्क में, ठीक है। तो आप सब इसके बारे में जो है अच्छी तरह से स्टडी करके आइएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको करके आने हैं, ठीक है। चलिए ये आप नोट्स बना के ले लीजिएगा, और इसमें आप सब इन सब की जो पिक्चर्स है ना उनको अच्छी तरह से देख लीजिए, इन सब की पिक्चर्स को देख के, और ये कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ये सब देखिए अपने एटलस में। तो ये हमारा यहाँ पे जो चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।